तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापः श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, ईश्वर को निर्जन में, एकांत में व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। अनमोल चर्चा की है, निर्जनता आध्यात्मिक जीवन में प्रयोजनीय है एवं निर्जनता के साथ साथ गोपनीयता रक्षा करना जरूरी है। यह हमें भली भांति जानना चाहिए। एक न्यू कॉन्सेप्ट, हम लोग सब समय समझते हैं कि वी शुड बी लीडिंग ए ट्रांसपेरेंट लाइफ, जो गोपनीयता का कोई जरूरत नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कॉन्फिडेंशियलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो एकदम गोपनीय इसलिए कहा जाता है, कारण गोपन रहने से उसमें गहराई रहता है। ईश्वर के साथ हमारे एक प्रेम का संपर्क गठन करना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, ये प्रेम टा खूब गोपनीय जिनिश माँ, महिला भक्तों को कह रहे हैं, ये प्रेम अत्यंत गोपनीय जिनिश, जो गोपनीय पदार्थ गोपनीय वस्तु है, गोपी दे रही प्रेम हुए छिलो। गोपीगण भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रिश्ता किए थे वो अत्यंत गोपनीय है। यद्यपि उन लोग सब विवाहित थे, अपना अपना संसार थे, संसार रहने के बावजूद श्री कृष्ण का साथ उनके एक अलग संपर्क था, वो गोपन संपर्क था। लेकिन ये बात हमें गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये गोपनीय रिश्ता के मतलब है वहाँ पर कुछ गलती है, अपराध बोध है। यहाँ पर कहा गया है भक्ति शास्त्र में कि उनकी गोपियों का ज्ञान पूर्ण मात्रा में थे, उन लोग जानते थे श्री कृष्ण कौन है। श्रीमद् भागवतम में है, गोपीगण कहा था, न खलु गोपिका आनंदन भवान, आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा है, मुझे हम लोग का पता है, आप कोई एक सामान्य पुरुष नहीं है। इसलिए ये जो उनके साथ जो श्री कृष्ण का जो रिश्ता है ये गलत फॉर्म से ना सोचा जाए, लेकिन उनके साथ जो रिश्ता, लेकिन गोपनीय था। जब ईश्वर के साथ हमारा इतना गोपन एक रिश्ता बनेगा तभी हम ईश्वर को सच्चा प्यार कर सकते हैं। इसके साथ एक भक्ति का संपर्क बनाना पड़ेगा, एक प्रेम का संपर्क बनाना पड़ेगा। इसमें एक रविंद्रनाथ एक संगीत के माध्यम से ये जो ईश्वर के साथ हमारा जो गहराई रिश्ता है उन्होंने उल्लेख किया है कैसे होता है।
ठाकुर तो इसी बता दिया इस संसार में कैसे रहना पड़ेगा, कि सबके साथ सब कुछ संपर्क बनाते चलो, लेकिन एकमात्र भगवान से ही तुम्हारा आंतरिक संपर्क रहेगा। बाकी सब देखा बटी के लिए। इसको व्याख्यान करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर ने संगीत के माध्यम में प्रस्तुत किया। तुम्हें डाग दिए छो कौन सकाले क्यों तो जाने ना, अमार मन जे कांदे आपन मने क्यों तो माने ना। यद्यपि हम सब कुछ कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें एक आह्वान, तुम्हारा आह्वान मुझे मिला है, वो सबसे पहले मिला, कितना पहले मिला, कितना भुवन में मिला था वो कोई नहीं जानता है। इट वॉज ए कॉन्फिडेंशियल कॉल ऑफ द डिवाइन टू द बिलावेड। भगवान के साथ हमारा प्यार का रिश्ता है, भगवान हमें पुकारते हैं, एवं कब पुकारते हैं और कोई नहीं जानता है। ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है। इसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, फिरी आमी उदास प्राणे ताकाई सवार मुखेर पाने तुम्हार मतन एमन टाने क्यों तो टाने ना। दुनिया में हम सबके साथ संपर्क रखते हैं, सबके मुँह के ओर हम तकते हैं, लेकिन आपके जैसा आकर्षण और कोई नहीं करते हैं। आपके साथ, ईश्वर के साथ हमारा जो आकर्षण है वो अनन्य है, किसी के बराबर नहीं है। यही है प्यार का स्वभाव, प्यार का भाषा। भगवान के साथ हमारा एक्सक्लूसिव, एकांत व्यक्तिगत जो रिश्ता है वो अत्यंत गोपन है, अत्यंत गहरा है, और किसी के साथ इसका तुलना नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं, बेजे उठे पंचमी शॉट केंपे उठे बंध हे गौर। बाहिर होते द्वार एक और क्यों तो हने ना। हमारा जो हृदय है वो तुम्हारे तुम्हारा आह्वान के लिए इंतजार करते हैं। ये कंपमान है, लेकिन और दूसरा कोई हमारे हृदय को स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते हैं। कोई जानता ही नहीं हाउ ईगर आई एम फॉर यू, हमारा व्यक्तिगत ईश्वर। फिर आगे कहते हैं, आकाशे कार व्याकुलता बाताश बहे कार बरोता ए पथे सी गोपन कथा क्यों तो आने ना। दुनिया में चारों ओर हमें संकेत मिल रहा है। हम जब आकाश के ओर तकते हैं वहाँ पर आपका मैसेज, आपका संदेश मुझे मिल जाता है। जब हवा चलते हैं वहाँ पे आपका संवाद वो बहन करके लाते हैं। लेकिन ये सब जो गोपन वार्ता हमें मिलता है वो और कोई ना भेजता है ना हमें मिलता है। अतः भगवान के साथ हमारा एकांत तो आपन गोपन एक संपर्क है, और वो हमें भरपूर कर देते हैं। तो भगवान के साथ जो हमारा संपर्क है वो अत्यंत पवित्र संपर्क है, गहरा संपर्क है, अलौकिक संपर्क है। और
ये जो आनंद प्रदान करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, कहते हैं फ्री माई उदास प्रणय तक, तो जो कुछ दिन भर नाना प्रकार का कर्म करते हैं, लेकिन सबके पीछे जब आपका याद आता है वो एकांत आपन, भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है ये शोरगुल का रिश्ता नहीं है, ये सार्वजनिक संपर्क नहीं है, एकांत आपन एवं गोपन है। जब वो मन के भीतर से हम लोग उसको सोचते हैं, उसकी याद करते हैं, तब आनंद से हमारा मन भरपूर हो जाता है, हम अपलुत हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ये आनंद का जो हमारा अनुभव भगवान के साथ भक्ति में परिप्लुत होकर जो आनंद का अनुभव, ये अनमोल है, अनूठा है। ये अनुभव करना ही, ये आनंद अनुभव करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं ईश्वर के साथ एकांत वास निर्जन में होकर ये व्यक्तिगत रिश्ता जब हम अपनाएंगे तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये जब हम ईश्वर को व्याकुल होकर एवं एकांत में पुकारेंगे तभी वो आह्वान भगवान के पास पहुंचता है। देयर शुड बी इंटेंसिटी, आंतरिकता, व्यक्तिगत रिश्ता को परिपूर्णता तभी होता है जब गोपन रूप से हम ईश्वर को निवेदन करते हैं, और कोई नहीं है, एकमात्र भगवान ही है। एवं जब ये निर्जनता के माध्यम से एकांत में भगवान को हम पुकारते हैं तब हमें यथार्थ व्याकुलता उद्भव होता है। ठाकुर ने कहा निर्जने गोपने व्याकुल हुए, व्याकुलता चाहिए। व्याकुलता तभी होता है जब भगवान के साथ हमारा एकांत भाव रहता है, एक गोपनीयता हम लोग मेंटेन करते हैं। ठाकुर अनेक प्रकार का उदाहरण देके बताया कि संसार में दासी का जैसे रहना, सबके साथ कर्तव्य करना, और जैसे दासी कहते हैं मेरे मुन्ना, मेरे राजा, उनका मनीव का जो बच्चे लोग को प्यार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं ये उनका असलियत रिश्ता नहीं है, उनका संपर्क है गांव में, ये उनका निजी परिवार है। तो ईश्वर के साथ हमारा दूसरा एक संपर्क है, वो निजी संपर्क है, वो बराबर का चिरंतन संपर्क है। और दूसरा जो दुनिया के साथ संपर्क है वो है जो तात्कालिक, टेम्पोररी, बराबर का संपर्क नहीं है, वो परिवर्तनशील है। लेकिन ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो चिरंतन है, बराबर रहने वाला है। वो संपर्क अगर हम स्थापन करें तो बराबर के लिए हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन भगवान को भले ही हम मिला नहीं, लेकिन उनका याद करते हुए हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है। भगवान की याद जब हम करते हैं, भगवान को जो अदर्शन का जो कष्ट है, मिरह है, व्याकुलता है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं
जब हम एकांत में भगवान को पुकारते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो निर्जन में एकांत में रहते हुए व्याकुलता के साथ हमको पुकारना चाहिए, जिसके बारे में विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।